सभी कार्यों को पूर्ण होने का, कार्य में और तेज़ी लाने का हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और सभी गांव में नाव की उपलब्धता, इसके साथ ही राशन वितरण का जो मानक है वो हमें शासन से प्राप्त हो गया है। दवा इत्यादि की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था, कुछ सोलर लाइट की उपलब्धता जिससे कि वहाँ पे पूर्ण अंधेरा ना रहे। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ बाढ़ राहत केंद्र इस बार चिन्हित किए हैं। बाढ़ आते ही गांजरी क्षेत्र के वासिंदों को चिंता सताने लगती है, वो सब इससे बचने के लिए प्रयास जारी कर देते हैं। फिलहाल अभी बाढ़ जैसे कोई हालात तो नहीं है, लेकिन तराई इलाके के लोग अपनी बचाव की तैयारियों में लग गए हैं। सीतापुर के बाढ़ क्षेत्र इलाके के 3 तहसीलों के कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए इस बार प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं? हाई इंडिया ने जिलाधिकारी अनुज सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में जो परियोजनाओं का कार्य हो रहा है उसे 15 जून तक हर हाल में पूरा कर लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बाढ़ क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए जाएंगे, मेडिकल टीम भी लगाई जाएगी, पर्याप्त मात्रा में नाव की भी व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ क्षेत्र में कई तैयारियां अभी तक चल रही हैं। इसको लेकर आइए सुनते हैं जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आई इंडिया से क्या कहा। तकरीबन 15 जून का हमने टारगेट रखा है इन सभी कार्यों को पूर्ण होने का। कार्य का निरीक्षण एक्सएम के द्वारा कई बार किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया है, और कार्य में और तेज़ी लाने का हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि 15 जून तक हम इस कार्य को अवश्य पूर्ण करा लेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे तीनों तहसीलों ने एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाई है, जिससे कि जो गांव विभिन्न बाढ़ के स्तर पे बाढ़ प्रभावित होते हैं उनको भी हमने क्रमबद्ध सूचीबद्ध किया है। और इन गांव में अलग अलग जो हमारी बाढ़ समितियां होती हैं गांव की, उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। सबसे वार्ता चल रही है जिससे कि उनको भी हम अवगत करा सकें कि किस प्रकार से क्या SOP रहेगा बाढ़ से बचाव का। और सभी गांव में नाव की उपलब्धता, इसके साथ ही राशन वितरण का जो मानक है वो हमें शासन से प्राप्त हो गया है, उसके अनुसार टेंडर की कार्रवाई भी हम लोगों ने अंतिम चरण पे है, उसको पूर्ण कराने की हम स्थिति में हैं। भूसे की व्यवस्था जानवरों के लिए, उसकी भी हम लोगों ने टेंडर करा लिया है और उसकी उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे भंडारण की स्थिति में भी हैं हम लोग। इस प्रकार से दवा इत्यादि की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था, अगर बाढ़ आ जाता है तो उस वक्त में हैंडपम्प के उच्चीकरण जिससे कि पानी की उपलब्धता रहे, कुछ सोलर लाइट की उपलब्धता जिससे कि वहाँ पे पूर्ण अंधेरा ना रहे, इन सभी चीज़ों पे कार्य हम कर रहे हैं। और इस बार बाढ़ आने के पहले हम लोग वहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर ले जाएंगे। सर, वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो सैकड़ों गांव पानी से घिर जाते हैं, सर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ बाढ़ राहत केंद्र इस बार चिन्हित किए हैं, और इन बाढ़ राहत केंद्रों में इस बार हम लोग अच्छी व्यवस्था देंगे जिससे कि वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।